हेलो व्यूअर्स, मैं मुकेश कुमार लर्न मोर फॉरएवर चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे एनवेलप ओपनिंग डिजाइन इन पावर पॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आखिर हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्या, तो आप देखिए, एक तरह से आपके सामने एनवेलप है, बहुत सारे एनवेलप ओपन होता है और इसमें से लेटर बाहर आता है। इस तरह से हमने दूसरा एनवेलप ओपन हुआ, एनवेलप बाहर आया, इस तरह से। तो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट हमारे इस वीडियो में, तभी आप इस चीज़ को सीख पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेना है। हमने यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया है। इस स्लाइड पर मैंने राइट क्लिक किया और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो हमने इसको दे दिया ग्रेडियंट फिल। फिर इस स्लाइड पर आपको राइट क्लिक करना है और आपको करना है ग्रिड एंड गाइड्स पर जाना है, और यहाँ पर मिलेगा आपको डिस्प्ले ड्राइंग गाइड्स ऑन स्क्रीन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप ड्राइंग्स करोगे तो इस स्लाइड पे आपको गाइड करेगा कि आपको सेंटर में कैसे रखना है। फिर आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जिसे इनवेलप में होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ करने बाद हमेशा एक बात को ध्यान रखना है कि जो इसका आउटलाइन शेप होगा, इसको हमेशा नो आउटलाइन करना है, ठीक है। और फिर हमने इस पर राइट क्लिक कर इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, और यहाँ से हमने ले लिया ग्रे कलर। यहाँ पर हमने इसको ग्रे कलर दे दिया। अब इसको हमें करना है स्लाइड के सेंटर में रखना है, तो सेंटर में जाने के लिए आपको मिलेगा फॉर्मेट शेप, इसमें आपको जाना है एलाइन पे। एलाइन पे जाने के बाद आपको करना है सेंटर, सेंटर हमने कर दिया, और उसको करना है मिडल करना है। तो देखिए, मिडल में बिल्कुल स्थित हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तो इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा कि इसका भी आउटलाइन को हम यहाँ से हटा देंगे, कर देंगे नो आउटलाइन। अब इसको रोटेट करना है आपको, तो हमने यहाँ से इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे, और आपको यहाँ पर इसको सेट कर देना है। हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है, और यहाँ पर आप मिडिल में भी सेट कर दीजिए इस तरह से। तो ये बिल्कुल सही सेट हो चुका है। अब हम करेंगे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, और इसको हमें यहाँ से रोटेट करके, तो हमने यहाँ पर इसको रोटेट कर दिया है और इसको भी सेट कर देंगे, तो बिल्कुल सही सेट हो गया है दोनों। फिर से कंट्रोल डी करेंगे और इसे भी रोटेट करेंगे 90 डिग्री राइट से, और इसको हम यहाँ पर सेंटर पर रख देंगे। तो हमने यहाँ पर सेंटर में रख दिया है और इसको यहाँ पर साइज को एडजस्ट कर दिया है, तो बिल्कुल एक इनवेलप की तरह लगेगा, जिस तरह से इनवेलप होता है। तो बिल्कुल ही सही से सेट हमने यहाँ पर कर दिया है, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनवेलप की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कलर है वो मिक्स हो रहा है इससे, तो वो पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेव फिल पे आपको जाना है, और यहाँ मिलेगा मोर फिल कलर्स। इसमें हम क्या करें, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो हमने इसको डार्क कर दिया। डार्क करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग से आपको दिखेगा एनवेलप की तरह। फिर हमने कंट्रोल डी किया और इसे फिर से रोटेट करना है, तो हमने इसको रोटेट कर दिया यहाँ से, और इसको भी यहाँ पर सेट करना है इस तरह से। तो हमने इसको भी यहाँ पर सेट कर दिया है, बिल्कुल सही से हो गया है। ऐसा साइज गलत रह गया है, तो इसको पहले डिलीट करते हैं। इस तरह साइज हो गया, कंट्रोल डी करना है और फिर से इसको रोटेट हमने कर दिया, और इसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो बिल्कुल सही सेट हो चुका है ये। और इसके कलर को भी थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, ताकि वो अलग से थोड़ा सा और दिखे। हमने इसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया, तरह से डार्क हो गया। तो आप देखिए, आपके सामने एक इनवेलप की तरह लग रहा है। फिर से कंट्रोल डी करना है और एक ऊपर का हिस्सा लेंगे, यानी जब हम इनवेलप ओपन करें तो ये ऊपर की तरफ चला जाए, तो इसको भी हमने रोटेट कर दिया, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर रख दिया, सेट कर दिया, यानी ये इनवेलप का वो एरिया है जहाँ पर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर अपने आप वो चला जाएगा। और अब करना क्या है, इसका जो सेफ फील है इसको थोड़ा सा हमें लाइट कर देना है फिलहाल, तो हमें इसको लाइट कर दिया, ओके कर दिया। तो इस तरह से आपके पास दिखेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो गाइड आपके पास है इसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। कर दिया हमने, और हमने यह क्या किया, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना है आपको, और कंट्रोल जी से ग्रुप करना है। ग्रुप करके हमने इसको यहाँ पर लिया है। ग्रुप करने का मेन मकसद ये है, इसके साइज को हम थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि एक स्लाइड पर कम से कम दो से या कम से कम तीन एनवेलप हमारे पास आ जाए। ये देखिए, आपके सामने पेज का साइज को स्मॉल करके देखते हैं, और हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल डी, और फिर से करते हैं कंट्रोल डी। तो इससे थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप इनवेलप बाहर जा रहा है,
इसको थोड़ा सा और छोटा करना है तो ये एडजस्ट हो जाएगा। बस हम थोड़ा सा छोटा हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर, थोड़ा सा कलरफुल दे देते हैं, कलर दे देते हैं। तो मैंने शिफ्ट के साथ, क्योंकि ये कलर थोड़ा सा लाइट है तो इसको थोड़ा डार्क करने के लिए हम इसको कलर दे देते हैं। तो जो भी कलर आपको पसंद है आप उसको दे सकते हो। मैंने यहाँ पर दे दिया ग्रीन, देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद है आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ से ग्रीन ले लिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए ग्रीन हो गया है, इसे भी ग्रीन करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्शन किया और पहले इसको हम ग्रुप कर देते हैं जो हमने यहाँ पर ग्रुप किया था, क्योंकि ग्रुप की वजह से पूरा कलर एक साथ हो रहा था। सब क्या कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने का मेन मकसद यही था कि इसको हम यहाँ पर ला सकें, ऐसा साइज को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकें। इस वे गए, इसको भी हमने ग्रीन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मिक्स हो रहा है इस ग्रीन का कलर। तो इसको आपको पता है क्या करना है, इसको डार्क करना है थोड़ा सा ताकि वो अलग दिखे। तो हमने यहाँ पर इसको डार्क कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। तो इस तरह से थोड़ा अलग से दिख रहा है आपको। इससे भी सिलेक्ट करेंगे, ग्रीन करेंगे और इसे थोड़ा सा डार्क हम कर देंगे। तो हमने यहाँ से इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा और, ठीक है। और इसे भी आपको पता है ग्रीन लेना है, तो हमने इसको भी ग्रीन यहाँ पर दे दिया सेव फिल। लेकिन हम इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे। तो लाइट करने के लिए आपको जाना है मोर फिल कलर्स पे और कस्टम पे जाना है, थोड़ा सा इसको लाइट कर देना है। इसको हमने लाइट कर दिया तो इस तरह से आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और डेकोरेशन करने के लिए हमने शिफ्ट के साथ जितने भी हैं सबको सिलेक्शन हमने कर दिया और इसको हम 3D के रूप दे देते हैं। तो आपको जाना है शेप इफेक्ट पे, यहाँ मिलेगा आपको प्रीसेट। प्रीसेट पे जाके आपको बस थोड़ा सा प्रीसेट कर दीजिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो मैंने नॉर्मल प्रीसेट ले लिया है, ठीक है। तो एक तरह देखिए आपके सामने एनवेलप की तरह लग रहा है। अब हमें इसका काम है कि हम थोड़ा सा इसको एनिमेशन दे देते हैं। तो एनिमेशन देने के लिए हम ये चाहते हैं कि एक ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरह ओपन होकर चला जाए। तो आपको करना क्या है, एनिमेशन पे जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ मिलेगा मोर एड एनिमेशन पे आपको जाना है। यहाँ पर मिलेगा आपको मोर एग्जिस्ट ऑप्शन, इस पे आपको जाना है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको कोलैप्स, कोलैप्स पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह देखिए कोलैप्स हो गया आपके सामने। अब ये जो कोलैप्स हो रहा है वो टॉप से होना चाहिए इस तरह से, यानी इनवेलप ओपन हो ऊपर की तरफ चला जाए। हमने इसको ऑन क्लिक ही रखा है, इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, हमने कर दिया 1 सेकेंड का। इसी तरह से इसको भी रखना है। इसमें हम जाएंगे ऐड एनिमेशन पे। तो यहाँ पर आपको जाना है मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पे, इस पे गए और यहाँ से हमने कर दिया स्ट्रेच कर दिया, ओके कर दिया। जो स्ट्रेच हो रहा है वो हमें करना है बॉटम से, तो बॉटम्स हो रहा है। और इसे हम करेंगे आफ्टर प्रीवियस करेंगे और इसको भी हमने 1 सेकेंड यहाँ से हमने कर दिया है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसको थोड़ा सा एनिमेशन देखते हैं हम लोग। तो एनिमेशन देखने के लिए हम करेंगे Alt+S करंट स्लाइड का। तो आप देखिए इस तरह से एनवेलप ओपन हुआ और ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेटर इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया इस तरह से, एक लेटर की तरह है। और इसको हम यहाँ पर रख के देखते हैं तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर देते हैं साइज को, लेटर का साइज, तो बिल्कुल सही से फिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको करेंगे नो आउटलाइन। हमने इसको कर दिया नो आउटलाइन कर दिया और इसके कलर को हमने कर दिया वाइट। तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर का हो गया, जैसे एक लेटर होता है। फिर आपको करना है Ctrl+D करना है इसको, आपको यहाँ पर रख देना है इस तरह से। हम चाहते हैं पेज की तरह दिखे तो इसको थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं कलर को। तो यहाँ पर हम गए और मोर फिल कलर पे कस्टम पे जाकर थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा करना है, देखिए तो डार्क यहाँ पर हो गया है, ठीक। अब क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+G से ग्रुप हमने कर दिया और फिर हमने कर दिया Ctrl+D। तो Ctrl+D से हमने यहाँ पर कर दिया, इसको आपको सेट करना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ 1 2 और इसको ग्रुप कर देना है। तो हमने यहाँ पर इसको ग्रुप कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इंसर्ट में आपको जाना है और यहाँ पर मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स, इसको क्लिक कीजिए। और टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया 01। Ctrl+S से सिलेक्ट करके और हमने इसको सेंटर में कर दिया, इसको थोड़ा साइज को इंक्रीज कर देते हैं।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइज को इंक्रीज कर दिया। उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा और डिक्रीज करते हैं ताकि एनवेलप में सही से सेट हो सके। और यहाँ पे हम देखते हैं इसको रख के, तो बिल्कुल सही से सेट हो रहा है हमारे पास। तो इसका पीछे का जो बैकग्राउंड थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, हम इसको वाइट कर देते हैं या कोई और कलर लेते हैं क्योंकि ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो हमने यहाँ पर कलर ले लिया, थोड़ा सा डार्क हम ले लेते हैं। तो आप देखिए आपके सामने इनवेलप दिख रहा है ये, ठीक है। इस पे जो हमने वन लिखा है इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, यानी इसमें कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है आपको। इसका स्टाइल को भी थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया, ठीक है। यानी जो भी लेटर में होगा हम यहाँ पर एक तरह से लिख देते हैं, फर्स्ट पोजिशन हमने लिख दिया और इसको साइज को इंक्रीज करके आपको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल वन लिखा हुआ आ गया, ठीक है। फिर हम चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ पर चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ पर हमने इसको कर लिया ड्रॉ। और यहाँ पर कुछ लेटर लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वेरी गुड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी हमने यहाँ पर लिख दिया MS Excel। कंट्रोल ए करेंगे और इसको हमने सेंटर में कर दिया, और कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देते हैं और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर साइज को इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरह से मान लीजिए किसी लेटर है हमारे पास, इसको सिलेक्ट हमने किया, और चाहो तो आप इसके फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने अब इसको फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर दिया है, साइज को इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा, और इसको यहाँ पर हमें सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जैसे फर्स्ट पोजीशन आया तो यहाँ पर एक अवार्ड का मतलब आइकन यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट में आपको मिलेगा एक आइकन, अगर आपके पास आइकन ना हो तो आप क्लिप आर्ट से भी कोई भी अवार्ड का पिक आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया अवार्ड और इंटर कर दिया, जो भी अवार्ड से रिलेटेड पिक होगा यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको क्लिप आर्ट में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक अवार्ड, इससे इंसर्ट किया हमने और यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, तो एक तरह से बिल्कुल यहाँ पर सही से सेट करना है आपको। देखिए इस तरह से लग रहा है अवार्ड। हमने यहाँ पर क्या किया, इसके कलर को थोड़ा सा ग्रे हमने कर दिया ताकि थोड़ा सा ये जो इसका बैकग्राउंड है इससे थोड़ा सा रिलेटेड हो, तो हमने यहाँ इसको ग्रे कर दिया, ठीक है। ये जो वन लिखा हो इसको भी हमने ग्रे कर दिया। देख दी इनवेलप की तरह लग रहा है, लेटर की तरह लग रहा है। जो भी चाहो इसमें आप कंटेंट लिख सकते हो, ठीक। अब हमने इसको क्या करना है, ग्रुप हमने कर दिया, तो शिफ्ट के साथ 1 2 3 और ये पूरा सेव। तो हमने इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। अब इसको यहाँ पर सेट करके देखते हैं कैसा लगता है। तो हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसके साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो मैंने इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। तो देखिए इस तरह से इनवेलप की तरह लग रहा है। थोड़ा सा और इसको डिक्रीज कर देते हैं, तो कंट्रोल ए हमने कर दिया, थोड़ा सा डिक्रीज करना है इसको, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम डिक्रीज कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना है जैसे आपको अच्छा लगे। तो अब इस लेटर को हमें क्या करना है, पीछे भेजना है। तो क्या करेंगे, सेव फॉर्मेट पे जाना है आपको, और इसे आपको करना है बैकवर्ड कर देना है, सेंड बैकवर्ड 1 2 3 4 5, पीछे चला गया बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, इस वाले शेप को सिलेक्ट करना है जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम पीछे पीछे भेजना है। हमने इसको कर दिया सेंड टू बैक, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं कैसा प्रीव्यू आपके सामने दिखता है। तो इस तरह से देखिए लेटर ओपन हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा एनिमेशन हमें देना है अब, ठीक। तो इसको एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन कैसे देंगे, इस पे आपको क्लिक करना है, आपको जाना है एनिमेशन पे, आपको मिलेगा ऐड एनिमेशन, इस पे जाना है आपको, और यहाँ से करना है मोर एंट्रेंस इफेक्ट, तो इस पे आपको करना है स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच हमने कर दिया, ओके कर दिया। और इसको हमने इफेक्ट ऑप्शन बताया कि आपको बॉटम में से स्ट्रेच होना है इस तरह से। तो इसका एक बार हम लोग प्रीव्यू देखते हैं कैसा दिखता है, कुछ कमी तो नहीं है। लेटर देखे ओपन हुआ और आपके सामने यहाँ पर लेटर आया इस तरह से ओपन होके चला गया, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जो लेटर जा रहा है थोड़ा सा स्पीड में जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं,
यानी आप एनिमेशन पेन पे जाओगे तो यहाँ पर ऑन क्लिक है, इसको हम क्या करेंगे, आफ्टर प्रीवियस कर दिया हमने, ठीक है, आफ्टर प्रीवियस हमने कर दिया और इसको भी हमने 1 सेकेंड का टाइम दे दिया। अब इसको अच्छे से देखते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो एनिमेशन देखिए, लेटर आपके सामने ओपन हुआ और ये लेटर आपके सामने आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लेटर हमने बनाया, इसमें दो तीन और बना सकते हैं, तो हमने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबको सिलेक्ट कर दिया इस तरह से, यहाँ से ऑल सिलेक्ट हो गया, अभी हुआ नहीं ढंग से, इसको और कॉर्नर से करते हैं, तो ये पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो करना क्या है, कंट्रोल डी करना है और ये डुप्लीकेट बन जाएगा, इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया दूसरा एनवेलप हमने, ठीक। ऐसे ही कंट्रोल डी करेंगे, एक और एनवेलप हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है, बस इसके डेटा को चेंज कर दिया, मैंने कर दिया सेकेंड पोजिशन, ठीक है। और यहाँ से हमने अवार्ड का आइकन भी चेंज हमने कर दिया, इंसर्ट पे गए हम लोग, आइकन पे गए और यहाँ अवार्ड का आइकन कुछ सेकेंड पोजिशन को हमने, जैसे हमने यहाँ लिख दिया अवार्ड लिख दिया, इसको एंटर किया, अवार्ड, स्पेलिंग गलत था इसलिए वो नहीं आ रहा था, ठीक है। हमने यहाँ पर ये दे दिया इस तरह से गोल्ड मेडल, यहाँ पर हमने दे दिया, यहाँ पर क्लिक किया, इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पहले वाले को डिलीट हमने कर दिया, इसको पहले साइड करते हैं, इसको डिलीट कर दिया हमने और इसको सिल्ट को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, ऐसे हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर ग्राफिक्स फॉर्मेट हो गया, यहाँ पर हमने कर दिया चेंज ग्राफिक्स फ्रॉम आइकन कर दिया, डायरेक्टली यहाँ से हम चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे अवार्ड लिखेंगे और यहाँ पर हम थर्ड पोजिशन को भी यहाँ पर कुछ अवार्ड दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको दे दिया सर्टिफिकेट दे दिया, यहाँ देखिए सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो गया है, इसको हमने चेंज कर, इसको हमने कर दिया थर्ड कर दिया, ठीक है। और आप यहाँ पर डेटा को भी चेंज कर सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, यस, इसको इस तरह से लिखते हैं सुपर परफॉर्मेंस, सुपर परफॉर्मेंस इन, सुपर परफॉर्मेंस इन, हमने लिख दिया एडवांस एक्सेल, इस तरह से हमने यहाँ भी डेटा को हमने यहाँ चेंज कर देते हैं। जो भी आप डेटा हो बस आपको चेंज करना है, तो इस तरह सब पे एनिमेशन लग गया है, ठीक है। और हमने आप लिख दिया यहाँ पर हो गया सुपर परफॉर्मेंस, ठीक है, वेरी गुड परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस इन स्पेलिंग, लिखते माइंड ब्लोइंग का इस तरह से हमने कर दिया, इसको चेंज कर दिया, ओके कर दिया। हम लिखते माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस इन, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा हमने लिख दिया इन टेली ERP 9, हमने यहाँ पर लिख दिया टेली ERP 9, टेली ERP 9 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही से सेट हो गया आपके सामने, तो इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि, क्योंकि एरर शो कर रहा है, ERP हमने लिख दिया, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, जो एनवेलप का कलर, इसको चेंज करने के लिए शिफ्ट के साथ हमने इसको सिलेक्ट किया टू, यहाँ पर सिलेक्शन किया पीछे वाला, ये तो आगे हो रहा है सिलेक्शन, पीछे हमने इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 5 जो भी शेप है उनको सेलेक्ट कर लिया और इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि वो एक जैसा एनवेलप लग रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहते हैं। व्हाइट कलर का भी सही है और ये भी सही है, जो भी आपको पसंद है कलर आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। ऐसे इसको सिलेक्शन करना है शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 और पीछे भी सिलेक्शन इसके करना है। अब इसके कलर को भी हमने कर लिया चेंज, जो भी आपको पसंद है कलर आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ग्रीन तो हमने ले ही चुके हैं ऑलरेडी, एक ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके सामने सेट हो गया। और मैं आप बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर हम लोग गए इंसर्ट, हमें यहाँ पे कोई पिक्चर ले लेते हैं बढ़िया सा जो देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर कोई नेचर का पिक्चर हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे हमने इसको एक क्लिक कर लिया और इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए सही से आपके सामने लेटर आ गया। अब इसका हम फाइनल प्रीव्यू देखते हैं कैसा लगता है। तो हम यहाँ करेंगे ऑल्ट SC, हमने प्रेस किया, ये फाइनल प्रीव्यू आपके सामने आ गया, ठीक है।
और यहाँ पर थोड़ा सा गलती रह गया कि इसे ग्रुप में किया नहीं हमने, तो शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दिया। ये ग्रुप में, सॉरी ग्रुप में ऐसे नहीं होगा, पहले सबको सिलेक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्शन कर दिया, सबसे पहले सबको सिलेक्ट हो गया, और इसको कर दें कंट्रोल जी। तो ये ग्रुप हो गया। अब इसका फाइनल प्रीव्यू हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। इस तरह से ओपन होगा। तो फाइनल प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं ऑल्ट एस सी। तो इस तरह से आपके पास फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो इनवेलप ओपन होता है और फर्स्ट लेटर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से सेकेंड आएगा, फिर इसी तरह से आपके पास सेकेंड आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से कितना सुंदर हमने इनवेलप का डिजाइन क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।